हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू किंजर्स किचन। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। और आज मैं फिर से एक न्यू रेसिपी लेकर आया हूँ, जो कि है प्याज की पकौड़ी। और ये बरसात में सब में ज़्यादा पसंदीदा चीज़ है और ये हर घर में बनती है। मगर मम्मा ने जिस तरीके से ये बनाना बताया है, ये बहुत टेस्टी बनी है। आप ये ज़रूर ट्राई करिएगा, और आप एक बार ट्राई करेंगे तो बार बार खाएंगे। चलिए अब हम पकौड़े बनाना स्टार्ट करते हैं। पकौड़े बनाने के लिए जो जो हमें लगेगा वो ये है: 1 चम्मच जीरा, 2 चम्मच धनिया, उसके बाद 1 चम्मच अजवाइन, 2 चम्मच तिल और 1/2 चम्मच हींग और 2 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट, 1 चम्मच हल्दी, 2 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च, नमक स्वाद अनुसार और 1 चम्मच चाट मसाला, और उसी के साथ हमें हरा धनिया भी लगेगा और 1/2 kg बेसन भी लगेगा। और उसके बाद नेक्स्ट जो लगेगा वो हमें 1 किलो प्याज, जो कि मम्मा ने अच्छे से कट कर लिया है जैसा कि आप देख सकते हैं। फिर नेक्स्ट जो आपको करना है वो एक जार के अंदर धनिया ऐड करना है, उसके बाद उसमें जीरा ऐड करना है और उसको पीस लेना है। उसके बाद नेक्स्ट जो हमें करना है वो बेसन को प्याज के अंदर मिक्स करना है, फिर उसमें अदरक लहसुन का पेस्ट, हल्दी, लाल मिर्च और नमक और चाट मसाला सब चीज़ें ऐड करना है। ऐड करने के बाद उसके बाद हमें जो नेक्स्ट इंग्रेडिएंट ऐड करना है वो है अजवाइन और उसके बाद हींग और उसी के साथ साथ हमें तिल भी ऐड करना है। और उसके बाद जो हमने धनिया जीरा जो हमने दरदरा पीसा था वो भी ऐड करना है, उसी के साथ साथ हरा धनिया यानी कि कोथमीर भी ऐड करना है, जैसा कि आप वीडियो में देख सकते हैं मम्मा जिस तरीके से ऐड कर रहे हैं। और मम्मा ने एक चीज़ बताना भूल गया है, इसके अंदर जो है 4 चम्मच सादी लाल मिर्च भी ऐड करना है और कुछ इस तरीके से पूरा बैटर को मिक्स कर लेना है, जैसा कि आप वीडियो में देख सकते हैं मम्मा कर रहे हैं। और सब में इम्पॉर्टेंट थिंग, इसमें पानी ऐड नहीं करना है, क्योंकि प्याज जो पानी छोड़ती है उसी से ही ये पकौड़ी बन जाती है। और इसको बहुत हल्का हल्का मिक्स करना है और आपको कुछ इस तरीके से उसे तलना है। और ऑयल भी ज़्यादा गर्म नहीं होने देना है, मीडियम ही रखना है, जैसा आप वीडियो में देख सकते हैं। मम्मा ने ये ज़्यादा क्वांटिटी में बनाया है, आप चाहते हो तो थोड़ी कम क्वांटिटी में भी बना सकते हैं। और अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई है तो आप चैनल पर जाकर और भी रेसिपी देख सकते हैं, जो कि बरसात के लिए स्पेशल है। मम्मा ने बहुत सारी रेसिपी ऐड किया है। अगर आप चैनल पर नवे हो तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाना ना भूलिए। चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी में। बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।